रिपब्लिक डे के इस मौके पर कबीर खान की पेट्रियोटिक मिनी सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी को अमेजोन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द फॉरगॉटन आर्मी के बारे में, जानेंगे कैसी है ये वेब सीरीज और इसे आपको देखना चाहिए या नहीं। बॉलीवुड डायरेक्टर आजकल काफी पेट्रियोटिक मूवीज ला रहे हैं। लास्ट ईयर हमने देखा पानीपत, केसरी और कलंक जैसी फिल्में रिलीज की गई थी और इस साल यानी कि 2020 में मिनी सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी को रिलीज कर दिया गया है, जिसे डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। सीरीज में टोटल 5 एपिसोड्स है और आप ये सीरीज 3 घंटे में कम्प्लीट कर सकते हैं। बात करें अगर सीरीज के प्लॉट की, तो इस सीरीज में हमें 2 टाइमलाइन दिखाई गई है। एक टाइमलाइन है 40s का यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का और दूसरा टाइमलाइन है 90s का। 90s में दिखाया गया है कि एक ओल्ड मैन जिसका नाम है सुरेंद्र सोढ़ी, वो अपने ग्रैंड नेफ्यू को अपनी स्टोरी सुना रहा है और ये स्टोरी होती है 40s की। सुरेंद्र सोढ़ी जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापानीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद सुरेंद्र सोढ़ी और बाकी 50,000 इंडियन सोल्जर आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिए थे, जिसे लीड नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। ये स्टोरी है नेशन, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म के ऊपर, जिसे आजकल लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे हमारे फौजी अपनी जान पर खेल गए इस देश को आजाद करने के लिए और उसके बाद भी उन्हें गद्दार कहा गया। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इंडियन सोल्जर पहले ब्रिटिश के लिए लड़ते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ब्रिटिशर ने जापान के सामने सरेंडर कर दिया था और यहाँ से इंडियन सोल्जर्स ने अपनी कंट्री के लिए और इंडिया के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। तो अमेज़न प्राइम की ये वेब सीरीज काफी इमोशनल है और इस सीरीज के कई सीन्स में आपको गूज़बम्प्स जरूर आएंगे। सीरीज में आपको वॉर्स देखने को मिलेंगे, एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही पॉलिटिक्स भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। इस ट्रू इवेंट के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जिसे इस सीरीज के जरिए हमें दर्शाया गया है और इस वजह से सीरीज का नाम द फॉरगॉटन आर्मी रखा गया है। तो इन सभी आर्मी को ये सीरीज एक ट्रिब्यूट देती है। इस वेब सीरीज की खास बात है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी, जिसे आप उस मोमेंट को फील कर सकते हैं। सीरीज में 2 वीक पॉइंट्स हैं, इस सीरीज का स्क्रिप्ट और बॉलीवुड स्टाइल लव स्टोरी, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये सीरीज काफी अच्छी है और 26 जनवरी पे आप ये सीरीज एक बार जरूर देखें। बात करें अगर इस वेब सीरीज की रेटिंग की, तो IMDb पर इसे 8.3 स्टार दिया गया है और हम इस वेब सीरीज को 3.9 स्टार देंगे। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शज़ाम।